छत्तीसगढ़ में आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है 12,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 आप सभी के लिए जो है निकल के आए हैं। जी हाँ, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो छत्तीसगढ़ में जो है टीचर्स बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है, आप सभी युवाओं के लिए जो है 12,000 पदों पर आप सभी युवाओं के लिए सबसे बड़ी भर्तियाँ, 12,000 पोस्ट पर आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसीज 2024 आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो टीचर्स बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, आप सभी के लिए काफी इम्पोर्टेंट पोस्ट, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण भर्तियां 2024। और एग्जाम्स आखिरकार कब होगा, भर्ती विज्ञापन आ चुके हैं, कितने कितने पोस्ट होंगे, जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कितने कितने पोस्ट होंगे, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल पाएगा। और कुल टोटल 12,000 पोस्ट आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट जो टीचर्स बनना चाहते हैं, टीचर भर्ती परीक्षा एग्जाम्स को जो है क्वालिफाई करना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, नेम फेम हासिल करना चाहते हैं, तो आप जो है अवश्य रूप से नेम फेम हासिल कर सकते हैं। आप में से हर एक स्टूडेंट के सपने, आप में से हर एक युवा के सपने, आप में से हर एक स्टूडेंट्स के ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो 12,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें, तो 12,000 शिक्षक भर्ती के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अगर आपका स्नातक की डिग्री कंप्लीट हो चुका है, तो आप छत्तीसगढ़ में 12,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। आप जो है 12,000 नए शिक्षकों के पोस्ट के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, आप बिल्कुल आराम से आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपके जो है ग्रेजुएशन के अलावा भी आपका बीएड होना चाहिए, बीएड कोर्सेज जो है इम्पोर्टेंट होता है, बीएड होना चाहिए, या फिर आपका डीएलएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए, और टेट एग्जाम भी आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। जी हाँ, बीएड डीएलएड टेट एग्जाम ये सभी चीज़ें अगर आपका फुलफिल हो चुका है, ये सभी चीज़ें अगर आपका फुलफिल हो चुका है, तो आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पोस्ट के लिए डेफिनेटली आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,000 पोस्ट के लिए आप आराम से आवेदन कर सकते हैं, आप आराम से जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फिर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जो कि आप में से हर एक के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 12,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन बीएड डीएलएड और टेट एग्जाम्स, और अब तो सीजी टेट में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है कि एक बार अगर आपका सीजी टेट एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाते हैं, तो इसकी वैलिडिटी जो सीजी टेट एग्जाम्स की जो वैधता रहती है वो परमानेंट हमेशा के लिए रहता है। यानी कि जब भी आप सभी के लिए टीचर्स भर्ती निकल कर आएगा, जब भी छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती होगा, आप आराम से जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, आप आराम से जो है टीचर्स भर्ती परीक्षा के लिए फिर एलिजिबल हो पाएंगे, आप आराम से आवेदन जो है कर सकते हैं। जब भी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होते हैं तब, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि सीजी टेट एग्जाम्स की क्वालिफाई करने के बाद उसकी वैलिडिटी केवल 7 साल तक का रहता था। 7 साल में अगर शिक्षक भर्ती निकल कर आते थे तो आप उसके लिए एलिजिबल होते थे, और उसके बाद फिर से आपको जो है सीजी टेट एग्जाम जो है आपको फिर से जो है दिलाना पड़ता था। लेकिन आपके बाद आपको फिर से जो है सीजी टेट एग्जाम दिलाना नहीं पड़ेगा, और ये आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो पाएगा, और आप सभी के लिए जो है शिक्षकों के और आप सभी के लिए जो है टीचर्स के 12,000 पदों पर भर्तियां, आप सभी के लिए 12,000 पोस्ट, आप सभी के लिए 12,000 नए टीचर्स के वैकेंसीज भी आप सभी के लिए निकल कर आए हैं, और ये आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और ये आप में से हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। जो जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, या जितने भी घोषणाएं पत्र जो आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, 1/4 माइनस मार्किंग होंगे, निगेटिव मार्किंग भी होंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके आपको माइनस मार्किंग से, जितना ज़्यादा हो सके आपको निगेटिव मार्किंग से बच के रहना। निगेटिव मार्किंग से अगर आप बच जाते हैं तो अवश्य रूप से आप जो है 12,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम्स को, अवश्य रूप से आप फिर 12,000 टीचर्स भर्ती परीक्षा एग्जाम्स को जो है क्वालिफाई आप जो है कर सकते हैं।
और आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको तैयारी जो है अच्छे से करना है, जितना ज़्यादा हो सके प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए शिक्षक के 12,000 पोस्ट, आप सभी के लिए शिक्षकों के 12,000 वैकेंसीज निकल के आ रहे हैं, और ये आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये आप में से हर एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके तैयारी कीजिए नए नए भर्तियों के लिए, नई नई पोस्ट के लिए, नई नई वैकेंसीज के लिए तैयारी करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तैयारी करोगे ही तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो जिनको लगता होगा कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है बहुत ईजी है, ईजी काम है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना इतना ईजी नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। तो यदि आप अच्छे से हार्डवर्क करते हैं, यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं, तो अवश्य रूप से आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना फिर आपको कामयाबियाँ नहीं मिल पाएगा। और आप सभी के लिए शिक्षक के जो है 12,000 पोस्ट आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं, और ये भी 12,000 नए शिक्षकों के भर्तियाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि तैयारी करना शुरू कर दो, यही कहना चाहता हूँ आपको कि मेहनत करना शुरू कर दो। अभी से ही अगर आप मेहनत करोगे, अभी से ही अगर आप कोशिश करोगे, अभी से ही अगर आप हार्डवर्क करोगे, तो बिल्कुल ही आप आगे बढ़ पाओगे, बिल्कुल ही आपके सपने फिर पूरे हो पाएंगे, और आपके जो भी सपने हैं फिर वो सभी सपने, फिर वो सभी ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे। ड्रीम्स कम ट्रू तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। तो 12,000 शिक्षक भर्ती के लिए मेहनत करो, और ये 12,000 टीचर्स की भर्तियाँ आपके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। आई होप वीडियो सबको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आप सभी को साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लेना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में टीचर्स के, और आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 12,000 पोस्ट जो है आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, और ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करो, तैयारी करो, ताकि आप एग्जाम्स की जो है बेहतर तैयारी, ताकि आप एग्जाम्स की बेहतर बेहतर प्रिपरेशन जो है कर पाए, और आपका सिलेक्शन भी हो पाए, और आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम भी क्वालिफाई जो है देखने को मिल सके। इसलिए तैयारी ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। तो तैयारी पर ही आपको ध्यान देना है, मेहनत पर ही आपको जो है ज़्यादातर फोकस जो है करते रहना है। देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।